एक बात बताओ अम्मी जान, अगर एक जंगली जानवर मुझे खाने आए, उससे लड़ोगी या मुझे उसके हवाले कर दोगी? चुप कर, कुछ भी मत बोल। जो बोला ना, कमाल बोला, खुदा कसम। अगर ये दरिया पार करने का ख्याल भी अपने जहन में लाया तो अपनी अम्मी का मरा हुआ मुंह देखेगा। पर क्यों? बेटा, दरिया के पार पड़ोसी मुल्क की सरहद है, इसीलिए। दीदी, मौत है, जान जाने का खतरा है। पर जान का खतरा क्यों है? बेटा बोला ना, उस तरफ पड़ोसी मुल्क की सरहद है। तो क्या हुआ, पड़ोसी तो हमारे दोस्त होते हैं। अगर हमारे घर कोई पड़ोसी आएगा तो हम उसे मेहमान की तरह रखते हैं, उसे मारेंगे थोड़ी। बेटा, ये तेरी समझ में नहीं आएगा, ये बेजान लकीरों का मामला है। अब्बू, मुझे फौजी बनना है। ओए मेरा बच्चा, शेर बच्चा किसी फौजी से कम थोड़ी है। असली फौजी अब्बू। ओ नहीं बच्चा, हम बकरवाल हैं, ढोर डंगरों को चराना हमारा फर्ज है, हमारा मजहब है। पर अब्बू, मैं गुज्जर बाबा जैसा बनना चाहता हूँ। पर बेटा, गुज्जर बाबा भी तो हम जैसे बकरवाल थे ना। आपने बताया नहीं कि अल्लाह हुजूर ने दहशत गर्दों को किस मकसद से भेजा है? बेटा, वो अल्लाह हुजूर की नहीं, शैतान की औलाद। अल्लाह हुजूर उनको सजा देंगे। पर अब्बू, तब तक तो वो बहुत सारे लोगों को मार देंगे ना। अब्बू, इस आदमी का जमीन पर आने का मकसद पूरा हो गया? शायद। तो ये लोग मातम क्यों मना रहे हैं? जब भी अपना कोई अजीज दुनिया से रुखसत होता है ना, बड़ा अफसोस होता है बेटा। पर ये सब तो तय था ना अब्बू? नहीं बेटा, ये सब तय नहीं था। ये बेवक्त का जाना, ये अल्लाह हुजूर की मर्जी नहीं है, ये उन शैतान के औलादों की करतूत है। शाबाश, एक मिनट, हाथ पकड़। शाबाश। दिमाग नाम की चीज है कि नहीं है? अबू, अगर इसे कुछ हो जाता तो? और अगर तेरे को कुछ हो जाता तो? और तू मेरे पास सो। अम्मी, बच्चे ने लात मारी, क्योंकि इसे पता है ये इसके भाईजान का हाथ है। वैसे अम्मी, बच्चा पेट से बाहर कितने दिनों में आएगा? बेटा, इसको आने में थोड़ा। चुप, पता नहीं मुझे। अम्मी, बच्चा पेट में कैसे आता है? बेटा, सबसे पता नहीं मुझे। अब अगर एक और सवाल किया ना? नहीं करूंगा अम्मी, नहीं करूंगा। परेशान हो फूफू जान और वो लोग आपकी बात नहीं मान रहे? बेटा, ये जमीर और जिंदगी के दरमियान की जंग है, और तेरे अब्बू जमीर को मार कर जिंदा रहने को लानत समझते हैं। जमीर मतलब? इज्जत, गुरूर और खुददारी के साथ जीना, सच्चाई के लिए सच्चाई के साथ डट कर खड़े रहना।